हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में हूँ नॉट एबल टू डिसाइड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है किसको मुझे ज्वाइन करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन जहां से भी मुझे कॉल आ रही है वो सभी लोग मतलब दे आर रियली मतलब बहुत अग्रेसिव हैं सभी लोग की. मतलब जल्दी से जल्दी हायर करें और मतलब आई डोंट नो तो क्या चल रहा है और ऐसा सब क्यों हो रहा है और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मतलब दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का साथ है मेरे पास और आप सब लोग मेरे साथ हैं तभी कुछ लेवल है जिसके कारण मतलब इतनी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आना और सभी लोग इतने अग्रेशन में हैं कि कि वी वांट टू हायर यू एंड ऑन अब कंडीशंस हैं जो भी कुछ है मैं पूरा डिटेल में तो खैर ऑब्वियसली बात है नहीं अभी रिवील कर सकता सब कुछ बट ओनली थिंग इज़ आई एम इन रियली वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट कहाँ जाना चाहिए किसको ज्वाइन करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो फ्रेंकली मैं आप लोगों से बात करू तो मेरे साथ आप सब लोग हैं जिसके कारण ये लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं आई थिंक इट्स बट ऑब्वियस जहां पे भी मैं जाऊंगा वहां पे जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ वो भी जाएंगे नाउ इट्स ऑल अप टू यू क्योंकि आप लोगों ने मुझे बनाया है आप सब लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ इट्स ऑल अप टू यू मुझे सबसे बेस्ट लगा कि कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे बेस्ट वे आउट है कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछूँ वही मुझे बता पाएंगे वही मुझे सही राह दिखा पाएंगे कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए और किस रास्ते नहीं जाना चाहिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहते हैं यू आर रियली फ्री है ना आप फ्री हैं और आप कमेंट करके मुझे बताते चले जाइए जो भी मेजोरिटी वाली सिचुएशन होगी उसके हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगा क्योंकि आप सब लोग हैं तो मैं हूँ अगर आप लोग नहीं तो मैं नहीं सबसे बेस्ट पूछने के लिए कौन होना चाहिए मेरे पास आप सभी बाकियों के डिसीजंस को मैं माइंड नहीं रखूंगा चाहे मेरी फैमिली है चाहे कोई भी इंसान है कोई भी कितना भी मुझे जोर दे रहा है कि इधर आओ आप सर हमारे पास आओ सर आप हमारे पास आओ मैं किसी की बात की वैल्यू नहीं करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बात की वैल्यू करूंगा कि आपने मुझे बनाया है आपने मुझे इस लाइक बनाया है कि सब लोग मुझे अब बुलाना चाह रहे हैं जिस इंसान को दो साल पहले तक कोई जानता नहीं था कोई पहचानता नहीं था आज सभी लोग मतलब बिलीव uh, मी जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं मैं आज भी आउट ऑफ स्टेशन था मैं आज भी एक जगह होके आया हूँ uh, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ सभी सी लेवल पोस्ट पे सी बी ओ से सी एफ ओ से इतने बड़े बड़े लोग मुझसे मिल रहे हैं और सब लोग मतलब मुझे uh, प्रेशराइज कर रहे हैं so, really, मतलब मुझे सच बता रहा हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए ज्वाइन करना चाहिए हाँ ये भी ऑप्शन है कि नहीं भी ज्वाइन करूँ है ना ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए है ना ये तीन ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ है ना द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है ना दो तरीके से आप वोट कर सकते हो तो अगर ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे नाम बताइए कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए ओके तो ये मैं वेट कर रहा हूँ आप सब लोगों के कमेंट्स की है ना मैं रात तक इंतज़ार करूंगा आज और उसके बाद फिर मैं फ़ाइनली डिसीजन लूंगा और जो भी डिसीज़न होगा मैं आप सब लोगों के आगे रिवील करूंगा ओके तो जितने जल्दी हो सकता है सब अपने फ्रेंड्स सर्कल में सब जगह ये वीडियो शेयर करो ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिलें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स मिलें और उस इनपुट्स के बेसिस पे फाइनली मैं डिसीज़न लूँगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए और जो भी है मतलब अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रेपुटेशन डाउन है तो ये चीज़ भी सोच के चलना कि क्यों डाउन है और उनकी क्यों अप है और सिर्फ दिखावे पे मत जाना अंदर पूरा डीप में जा करके पूरा मतलब आप जितना सोच सकते हैं मतलब जितना आपके अंदर आप सोच सकते हैं जितना आपका कैलिबर है उस कैलिबर के हिसाब से आप मुझे वोटिंग दीजिए है ना और मैं दिल से समझूंगा कि आप सब लोग मुझे पूरा दिल से वोट कर रहे हैं मुझे पूरा दिल से समझा रहे हैं कि इधर जाना चाहिए सर और इधर नहीं जाना चाहिए है ना तो हर चीज़ को एकदम सोच समझ के अच्छे से प्रॉपरली डिसाइड करना और मुझे बताइए मैं वेट कर रहा हूँ आप सब लोगों के कमेंट्स का ठीक है तो सबके साथ शेयर करो सबको बताइए कि अमित सर कन्फ्यूजन में है उनको किस तरफ़ जाना चाहिए कहाँ ज्वाइन करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए और क्योंकि आप सभी लोग से ही मैं बना हूँ तो मैं आप सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं इतने दिनों से तीन चार दिनों से मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फैमिली मेंबर से बात कर इधर उधर बात कर हर जगह कर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आज मुझे असलियत समझ में आई कि मैं पहुंचा कैसे यहाँ तक कौन है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा के पहुँचाया है है ना किसने लेके आया है आप ही लेके आए हैं ना मुझे आप ही बताएंगे ठीक है जल्दी जल्दी वोट करके बताइए मेरे को इंतजार है और प्लीज सबके साथ शेयर करके ये वीडियो सबको भेजिए ताकि सब लोग मुझे कमेंट करके बता सके ठीक है और एक बात मैं और बोल देता हूँ आप सब लोगों को आप शायद देख रहे होंगे काफी दिनों से काम हमारा सब पेंडिंग चल रहा है है ना मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो रही है मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं सच बताऊं तो तड़प रहा हूँ निर्भव सीरीज़ को रिज्यूम करना है जो डिजिटल पेंडिंग है मेरे को उसको कंप्लीट कराना है बहुत सारा काम पेंडिंग चल रहा है बट मैं ये चाह रहा हूँ एक बार ये कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाए और उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी इन सब क्लासेस को रिज्यूम करूँ ठीक है हाँ और चलते चलते ये भी बता देता हूँ मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा हूँ यूट्यूब मेरा फ्री हैंड है है ना जो आपका कंटेंट चल रहा था वो एकदम चलता रहेगा और जो आगे मैं डालूंगा वो भी सब कुछ आराम से इजीली सब चलता रहेगा ठीक है तो बस मेरे को जल्दी से जल्दी अपना जो सिलेबस है जो सब कुछ मैंने आपके साथ कमिटमेंट करी है मैं उनको पूरा करूंगा इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहना कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके सर गुम हो जाएंगे सर भूल जाएंगे हमारे को नहीं ऐसा नहीं होने वाला ठीक है मैंने सब रीजनस आपको शायद पिछले वीडियो में क्लियर किए थे कि मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ एंड सॉन्ग ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी बताइए मैं कन्फ्यूजन से अपनी फटाफट से दूर करूं इन सब चीज़ों को साइड करूं और अपना जो भी काम हमारा है उसको मैं स्टार्ट करूंगा है ना जल्दी से जल्दी मुझे रिज्यूम करनी है निर्भव सीरीज़ को भी और जो डिजिटल पेंडिंग है उसको फटाफट से मुझे कंप्लीट करवाना है ठीक है चलिए ओके थैंक यू सो मच बाय बाय